बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक तबीब भेजा कि जरूरत के वक़्त आपकी जमायत का इलाज मुआलजा किया करे। तबीब मुद्दतो मदीना में हाजिर रहा मगर किसी शख्स ने उससे इलाज के लिए रजू न किया। हकीम ने यह मुसलसल बेकारी देखकर आखिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि हजूर जानते हैं कि खाकसार इतनी मुद्दत से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों की खिदमत के लिए हाजिर है मगर इस अरसे में मेरी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों का कायदा ये है कि जब तक भूख गालिब ना हो खाने को हाथ नहीं लगाते और अभी पेट भरता नहीं कि हाथ उठा लेते हैं, इसलिए आपकी खिदमत से फ़ायदा उठाने का मौका कम मिलता है। हकीम ने कहा, बेशक तंदुरुस्ती का यही असली राज है जिसके होते हुए मेरी हाजिरी बेकार है।